वेल्स हेलो गाइस, कैसे हैं? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर आ चुका है और थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है क्योंकि ये ट्रेलर हिंदी में नहीं है यार, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी यार इसे हिंदी में देखने की, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता। शायद आप लोग को समझ में आए तो कमेंट कर देना, मुझे बता देना। बट इस ट्रेलर को हम देखने वाले हैं और देने वाले रिएक्शन। और ये ट्रेलर है आयलान की, जो एलियन पर बेस्ड है, और शायद ये साउथ की फर्स्ट मूवी होगी जो एलियन पर बेस्ड होगी। अगर होगी तो मैंने अभी तक नहीं देखी, बट देख लेते हैं चलिए ये वीडियो और उस पर रिएक्शन देंगे कि इसका ट्रेलर कैसा है। तो फटाफट से देख लेते हैं, लेट्स सी। 1 2 3 स्टार्ट। ये भूमि अन्य जीवराशुल के సొంతం అని నాన్న చెప్పిన మాట నేను ఎప్పటికీ నమ్ముతానమ్మా। పురుగు పుట్రా మీద జాలి చూపిస్తే వ్యాపారం చేయగలమా? ఓకే, ఈ భూమి మీద ఊహకు అందనంత శక్తివంతమైన వస్తువు, అది మానవ సృష్టి కాదు, gift of nature, definitely not an earth based life form, it's an alien. Yeah, I'm a king, king, king. हाई बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त लग रहा है क्योंकि हमारे सर ए आर रहमान ने इसका बैकग्राउंड स्कोर, यार म्यूजिक डायरेक्टर ही, म्यूजिक तो जबरदस्त होने ही वाली है। अभी तक तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, लेकिन स्टार्टिंग में देखे होंगे आप, एक पत्थर आती है और वो पृथ्वी पर टकराती है, शायद तो उसके ऊपर बेस्ड होगी। देखते हैं क्या स्टोरी है। బిల్డింగ్ పనులకు వచ్చిన బీహార్ గురాలతో భాష తెలియకుండా మాట్లాడొచ్చి ఏలియన్ గీలియన్ అని కహానీలు చెప్తున్నా? ఆ పేరుతో నన్ను పిలవకు, నాకు నచ్చదు. ఇది మార్కెట్ లో కొన్న రబ్బర్ బొమ్మ. మామూలుగా మీరు అమెరికాని అంతం చేయడానికే వెళ్తారు, ఇప్పుడు మా దేశానికి వచ్చారేంట్రా? మానవులు భూమిని నిర్లక్ష్యించచ్చు, దాన్ని కాపాడకపోతే పెద్ద ముప్పొచ్చి పడుతుంది. నువ్వు అనుకున్నది ఎప్పటికీ జరగదు, జరగనివ్వను. నువ్వు దేనికోసం వచ్చావో ఆ పని పూర్తి చేయాలి, కానీ ఇకపై అది నా బాధ్యత. ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार, 12 जनवरी यार, कैप्टन मिलर और एक महेश बाबू की मूवी, और अब ये कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे आप? और इतना जबरदस्त मूवी यार, क्या ही बोलूं मैं। सारे मूवीज़ एक ही टाइम पर एक साथ। बट गाइस, ट्रेलर तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, अच्छा ही लगा। और VFX के बारे में तो कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी खतरनाक VFX का एक्सपीरियंस हो चुका है हमें। आई होप आप लोग को पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट ये VFX मुझे अच्छी लगी। तो गाइस, ये मूवी तो मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा। तो गाइस, देख लेते हैं कि ये मूवी कैसा होगा 12 जनवरी को। तो और अगर इस थिएटर में लगा तो देखने तो ज़रूर जाऊंगा और आपको बता दूंगा। और आपको ट्रेलर ये कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातरम।